भारतीय रेल के पास आज भी ऐसी विरासतें मौजूद हैं जो परिवहन सेवा के साथ साथ पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र बन चुकी हैं। इसका एक उदाहरण है भारतीय रेल द्वारा संचालित कालका शिमला हेरिटेज टॉय ट्रेन, जो इस पहाड़ी मार्ग पर आज भी स्थानीय लोगों के आवागमन का मुख्य साधन बनी हुई है। साथ ही बड़ी तादाद में पर्यटक इस मार्ग पर सिर्फ इस टॉय ट्रेन के रोमांचक सफर का अनुभव करने पहुंचते हैं। समुद्र तल से 2076 मीटर ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश का मशहूर हिल स्टेशन शिमला, हरियाणा में मौजूद कालका शहर से शिमला तक साल 1903 में रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी। भारतीय रेलवे ने 100 साल से ज्यादा पूरा कर चुकी इस धरोहर को न सिर्फ संजोए रखा है बल्कि इस पर लगातार रेल यातायात भी जारी है। नैरो गेज ट्रैक पर तकरीबन 90 किलोमीटर के इस सफर में 103 सुरंगें और 869 पुल पड़ते हैं। रास्ते में पड़ने वाले 919 घुमावों में से जब ये टॉय ट्रेन गुजरती है तो ये अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है। इस अनुभव को और सजीव करने के लिए उत्तर रेलवे ने एक ट्रैक पर अब विस्टा डोम कोच भी शुरू कर दिए हैं, जिनसे यात्री चौतरफा प्राकृतिक नजारा कर सकते हैं। इन कोचों ने इस सफर के रोमांच को दोगुना कर दिया है। इस अद्भुत रेल मार्ग को साल 2008 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। आज भी रोजाना इस मार्ग पर तकरीबन 1500 यात्री सफर करते हैं। इस मार्ग पर उत्तर रेलवे ने कई नवीन तकनीकी बदलाव किए हैं, लेकिन परंपरा के तौर पर यहाँ की रेलों और स्टेशनों के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाया रखा गया है। सिर्फ परिवहन ही नहीं, देश की धरोहर को संजोकर वैश्विक पटल पर ला रही है भारतीय रेल।